नमस्कार, अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत आप प्रथम प्रश्न पत्र बी ए सेकंड ईयर है। प्रश्न पत्र का नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, जिसके अंतर्गत आपने तीन अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। चौथा अध्याय है ब्रिटेन का संविधान, सामाजिक और आर्थिक आधार पर उसकी विशेषता, इसका पूरा नाम है। और अभी हम ब्रिटिश जो संविधान है, विश्व का ऐसा संविधान जिसे अपन कहते हैं अलिखित संविधान, परंपरा और रूढ़िवादियों के द्वारा उसका विकास हुआ है। तो सबसे पहले संविधान जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार विकास हुआ है। और उससे पहले मुनरो जो दार्शनिक है वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान के बारे में, कि पूर्व ने सभ्य मानव को अध्यात्म दर्शन प्रदान किया और मिस्र ने वर्णमाला प्रदान की, मूर ने बीज गणित, यूनान ने शिल्प कला तथा रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए जो हर देशों में चलते हैं। तो ब्रिटेन ने विश्व को क्या प्रदान किया, विश्व को राजनीतिक विचार और सैद्धांतिक पद्धति प्रदान की। जो सैद्धांतिक पद्धतियां चल रही है वो हमें ब्रिटिश संविधान से मिली। अब ब्रिटिश संविधान के विकास कैसे हुआ, उसका उद्देश्य कैसे है, उसके बारे में हम समझेंगे। बट ध्यान से आप समझना कि ब्रिटिश या ब्रिटेन के संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, और इसका जो विकास यानी आज की जो वर्तमान प्रणाली व्यवस्था स्थिति में जो संविधान है, इसको लगभग कितने साल लगे बनने में, 1400 वर्ष। यानी धीरे धीरे रूढ़िवादी परंपराएं चली आए, जैसे जैसे शासन बढ़े, अलग अलग काल में अलग अलग परिस्थितियां आई, कभी राजतंत्र आ गया, फिर राजतंत्र के ऊपर से जो नियंत्रण था वो हट गया। तो कई ऐसे काल हैं जिसके बारे में अलग अलग काल के बारे में पढ़ेंगे। यानी पांचवी सदी से लेकर जो चला आ रहा है, तो उसमें अलग अलग दास उनके जो राजा बने या उसके राजा नहीं, तो अलग रोम ने भी अपना प्रशासन किया। तो इस प्रकार जो शासन रहा ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ। तो अपन सबसे पहले जो बात करते हैं, इसमें छह संवैधानिक तौर पर इसको अपने कितने युगों में बांटा है, छह युगों में विभाजित किया है, किस प्रकार इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देख लीजिए, अपने एंग्लो-सैक्सन का यानी स्वीडिश राजतंत्र की व्यवस्था, ये जो काल था ये पांचवी सदी से लेकर यानी 11वीं सदी यानी 1066 ईस्वी में तक इसका शासन काल रहा है। और इस काल में रोम का आधिपत्य था, रोमन। और इसमें दो संस्थाओं का विकास हुआ या उदय हुआ, नई संस्थाओं का जो शासन चलाने के लिए। सबसे पहले पहली संस्था का क्या नाम है, नियंत्रित राजपद, जो शासन को नियंत्रित करती है। दूसरा है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार चलाया वो इसमें दिया गया। तो ये पहला जो काल है इसके अंतर्गत राज व्यवस्था थी और उसके आधार पर एंग्लो प्रशासन की शक्तियां सीमित थी और विश्व को एक संस्था थी जिसको विटर्नमोर या विटर्न के काउंसिल जिसे बोलते हैं, वो उस शासन की, इस काल के जो शासन को नियंत्रित करती थी। क्या करती थी, नियंत्रित करती, इसे क्या कहते हैं, विटनेस मोड यानी विटन। ये काउंसिल भी इस दोनों संस्थाओं को नियंत्रित करती थी, यानी वहां भी जो शासन था सीमित था, निर्कुश नहीं था, कुशलता पूर्ण सुव्यवस्था शासन की व्यवस्था। अगला जो पॉइंट अपन बात करते हैं, नॉर्मन एक्सिस वन काल जो है, एक्सिस वन जो काल है ये, यानी इस काल में जिसका अपन समय बताते हैं 1066 से लेकर 1153 यानी 11वीं सदी का जो काल है, इस काल में नॉर्मन के देश का जो राजा था विलियम्स ने अपनी सत्ता कायम की थी और एक सुदृढ़ यानी सबल केंद्र के पूरी शक्ति का उसने अपना शासन स्थापित किया, जो ये ब्रिटिश मोड जो संस्था थी या काउंसिल थी उसको समाप्त कर दिया उसने। किसने समाप्त किया, जो नॉर्मन के जो देश का जो राजा था विलियम्स, इसने अपनी सत्ता कायम की और उसने एक कठोर सुव्यवस्थित शासन की व्यवस्था। अगला उसने क्या, इसको काउंसिल थी उसको समाप्त कर दिया और राजा के या राजा
प्रकाशित क्षेत्र उसका विस्तार किया। जब नियंत्रण जो समाप्त होने के बाद हो जाता है तो वहां पहले भी विस्तारवादी नीतियां थी और आज के भी कई देश विस्तारवादी नीतियों पर विश्वास करते हैं। महत्वाकांक्षा जैसे बढ़ती है तो राजा की भी विस्तारवादी नीति बढ़ी। अब इस विस्तारवादी या राजा के कार्य सुशासन की व्यवस्था के लिए दो संस्थाओं का फिर उदय हुआ, नई संस्था, ठीक है। उन दो संस्था का नाम है मैग्नम काउंसिलियम, दूसरा है क्यूरिया रेजिस, यानी ये काल महान परिषद इसके नाम से जाना जाता है। और क्यूरिया जो रेजिस है इसको हम राज परिषद कहते हैं। इस मैग्नम काउंसिलियम जो था इसमें आधुनिक युग की जो पार्लियामेंट है उसका निर्माण किया। आज की जो पार्लियामेंट जिसे हम बताते हैं देश की, ब्रिटिश देश की, तो उस किससे उत्पत्ति मानी जाती है, मैग्नम काउंसिलियम से। और जो कैबिनेट मंत्र, कैबिनेट जो मंत्र कैबिनेट है, कैबिनेट जो मंत्र है काउंसिल, उसको हम किससे मानते हैं, क्यूरिया रेजिस जिसे राज परिषद कहते हैं। तो इस प्रकार उसने अपने आधुनिक काल में विस्तार किया। अगला जो काल है तीसरा जो है ब्लैस्टेड गेट, जो लंकास्ट्रियन काल है, ब्लैस्टेड गेट है और लंकास्ट्रियन यानी जॉन चौथ ब्रिटिश में सम्राट बना, उस काल में हेनरी ने उसने बहुत सुधार किए, यानी वहां पे इसको अपन संवैधानिक काल भी का उदय हुआ, संस्थाओं का उदय हुआ, यानी उस काल में सुशासन व्यवस्था में सुधार के लिए। और वहां के जो शासन था शासन कुशलता कार्य के लिए उन्होंने काम किया, नई संस्थाओं का निर्माण किया जिसे प्रीवियस काउंसिल एक्ट काउंसिल। और उन्होंने वहां पे कर व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की, क्या कर व्यवस्था, तो कर व्यवस्था लागू करने के लिए सबसे जरूरत पड़ी। तो वहां ये कहा कि जब शासन चला रहे तो किसी प्रतिनिधि के बिना या किसी प्रतिनिधियों के बिना या उनसे सलाह लेने के बिना कर लागू नहीं कर सकते थे। तो कर लागू नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने क्या किया, सब जगह से प्रतिनिधि बुलाए, तो बिना प्रतिनिधि के कर संभव नहीं था। तो वहां एक सिद्धांत का निर्माण हुआ, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का उदय। और इसी शासन में इसी काल में जो 1153 अपन कहते हैं 1153 काल जो लंकास्ट्रियन काल कहते हैं, इस 1453 से 1445 के काल में संविधान संस्थाओं का उदय हुआ। तो शासन कुशलता के लिए उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया, उन संस्थाओं का नाम लिखा है प्रीवियस काउंसिल, दूसरा है एक्सचेकर, जो संस्था है जो इस संस्थाओं द्वारा कार्य किया गया, इसलिए इस उच्च न्यायालय का जो जनक कहते हैं न्याय के लिए उन्होंने सुधार किए और कर नई व्यवस्था की। तो ये आपने अपना जो है तीसरा काल पूरा हुआ। हम ब्रिटेन की संविधान का विकास या उदय पढ़ रहे हैं, किस प्रकार हुआ उसको टॉपिक पढ़ा, तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का उदय। जब कर लगान की व्यवस्था की गई और सब जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और जनप्रतिनिधियों पर व्यवस्था की गई, किस प्रकार अपन इस कर लगाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इसके काल में धीरे धीरे सम्राट जो धर्मपरायण बनी और उसके साथ शासन दुआया तो निर्कुश शासन की व्यवस्था आरंभ हो गई। जब निर्कुश शासन की व्यवस्था आती जनप्रतिनिधि को उनको किस प्रकार जनता उसके विरोध हो जाती है और जनता और उसके फिर इस 1199 में जॉन जो है वो सम्राट बना, लेकिन उसमें दुर्दशा नहीं थी, अयोग्य शासन था, शासन करने करने की उसमें सामर्थ्य नहीं था और ज्यादा अत्याचार था और कर लगाने की व्यवस्था और इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी, किस प्रकार बढ़ेंगे। तो उसमें एक आर शब्द आया मैग्ना कार्टा या अपर अधिकार पत्र, महान अधिकार पत्र, क्योंकि अगर इस व्यवस्था में जैसे आप मूल अधिकारों की जो बात करते हैं तो भारत के जो मूल अधिकार है वो भारत का क्या है, मैग्ना कार्टा। और यहाँ
सबसे पहले अधिकारों की जो बात होती है, अधिकारों की बात करते हैं, आपको ये समझ लें कि जब अधिकारों की जब बात आती है तो सबसे पहले अधिकारों की बात कही गई है मैग्ना कार्टा यानी ब्रिटेन के, जो जॉन सम्राट के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया, विद्रोह करने के बाद उसके विरुद्ध अधिकार पत्र पारित किया जो 15 जून 1215 में रेनीमेंट एक स्थान है वहां पे अधिकार पत्र का हस्ताक्षर करने के लिए जॉन को या सम्राट को मजबूर किया और उसने जनता की बात मानकर हस्ताक्षर किए और मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र ही उसी को मैग्ना कार्टा। अब वहां ये आती है कि जो अधिकार जो पहले शांतों को दिए हुए थे उनको सम्राट ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया गया अधिकार जो सामान्य शांतों के लिए दिया था अधिकार, उन्हीं अधिकारों को वापिस शांतों के लिए इस मैग्ना कार्टा में दिए गए। जो अधिकार दिए गए थे पहले शांतों के लिए दिए गए थे लेकिन धीरे धीरे सामान्य जो जनता आम जनता है उसको भी प्राप्त हो गए। अधिकारों की जब बात आती है सबसे पहले ब्रिटिश संविधान में मैग्ना कार्टा जिसे महान अधिकार पत्र कहा जाता है और 15 जून 1215 में और इस पे हस्ताक्षर करके मान्यता होगी प्राप्त हो गया था तो ये अधिकार जनता को मिल गए। तो अधिकार की बात सबसे पहले ब्रिटिश संविधान में कही जाती है। अब इसके अलग संविधान विद्वानों ने क्या बात कही कि किस प्रकार उन्होंने परिभाषा दी है, इस बस क्या के शब्द क्या कहते हैं, ये कहते हैं इंग्लैंड के संविधान का इतिहास एक महान इतिहास है और अधिकार पत्र की जो व्याख्या की है, महान अधिकार पत्र की व्याख्या की है, इंग्लैंड का जो संविधान है वो किसकी व्याख्या का पत्र कहा है, मैग्ना कार्टा, इसको कहा है महान अधिकार पत्र, ये कहा है। अब यहां थॉमसन और जॉनसन के क्या कहते हैं कि मैग्ना कार्टा ब्रिटिश संविधान का आधार स्तंभ है, ब्रिटिश या ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात है, ब्रिटेन संविधान का आधार स्तंभ है, इसके बिना संविधान को हम मानते ही नहीं है कि जहां संविधान में अधिकार ही नहीं है क्योंकि वहां पे रूढ़िवादी परंपराओं से बना हुआ संविधान पहले अपने यही बात की 14 सालों से बना आ रहा है। तो ये थॉमसन और जॉनसन क्या कह रहे हैं कि मैग्ना कार्टा यानी वृत्त जो अधिकार पत्र है वो ब्रिटिश संविधान का आधार स्तंभ है, कोई मकान की जब नींव होती है नींव अपन कहते हैं इसको, महान है क्योंकि इसने ये प्रतिपादित किया कि जो राजा है वो विधि के ऊपर नहीं है वरन विधि के अधीन है, कोई भी राजा बने उसको विधि के अनुसार शासन चलाना पड़ेगा। पहले परंपरा काल में जब शासन अधिकार कानूनी होते थे तो राजा जब बनते थे प्लेटो जब कहता था जब तो ईश्वर जो शक्ति है यानी ईश्वर की जो शक्ति है वो उसको निर्पुष करती है यानी धार्मिक रूप से उसको निर्पुष करती है तो कोई भी राजा महान नहीं हो सकता, विधि के अनुसार राजा को महान करना पड़ेगा, अधीन है ऊपर नहीं है। तब यहां क्या किसका उदय होता है, पार्लियामेंट संसद जिसको भारत देश को दी। तो 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम बने, उन्होंने क्या किया कि हमें जब पार्लियामेंट का उदय करना है तो सभी वर्गों को बुलाते हैं, सभा करते हैं ना, पंच जब बनते थे पंच क्या करता है सभी को बुलाता है, अकेला पंच तो कुछ नहीं कर सकता, तो राजा ने क्या किया कि सभी का समर्थन चाहिए, तो अच्छा राजा होगा तो सभी का समर्थन लेके चलेगा अन्यथा सभी को अत्याचार कर घुमाएगा। तो शांतों को बुलाया और पादरियों को भी बुलाया जो पोप वगैरह होते हैं उनको भी बुलाया और हर नगर से एक जन प्रतिनिधि को बुलाया उनकी सभा और उस पार्लियामेंट सभा करने के बाद कानूनों को लागू किया। तब बात 1307 में भी निम्न सदन जिसमें अपन विधेयक वगैरह पारित करते हैं। तो इस प्रकार ये पहले अपन मैग्ना कार्टा अपना क्लियर होता है, परिभाषा उन्होंने एडवर्स सब दोनों का इंग्लैंड के संविधान का इतिहास जो महान अधिकार पत्र की व्याख्या करता है और थॉमसन है उन्होंने कहा कि मैग्ना कार्टा ब्रिटिश संविधान का आधार स्तंभ है क्योंकि जो शासन है जो राजा है वो संविधान के आधार पर ही कार्य करे।
संविधान का विकास और उदय। तो इसमें अपना चौथा जो काल है ट्यूडर काल यानी उन कठोर राजतंत्र की स्थापना 1485 से 1603 के मध्य। तो यहाँ जो संसदीय शासन प्रणालियां लागू हुई थी, जो शासनों अशासकों ने विधि के अनुसार शासन करना आरंभ किया था, वो पुनः यानी 15वीं शताब्दी में पुनः राजतंत्र आ गया। तो राजतंत्र आने के शासकों का जो संसद के मध्य जो शासकों की और संसद की जो शक्ति थी उनका हास होना शुरू हो गया। और जैसे उनका हास होता है तो जो शासन करने का जो सुशासन है वो उसकी व्यवस्था भी सही रूप से नहीं चलती है, निर्कुश राजतंत्र की स्थापना हो गई। और इस प्रकार इस काल में पूर्ण रूप से जो निर्कुश शासन आरंभ हो गया। अगला जो काल है स्टुअर्ट काल, और निर्कुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र में संघर्ष और लोकतंत्र की आधारशिला 1603 से लेकर 1704 के मध्य। यहाँ क्या होता है आप पूरे साथ के स्टुअर्ट जो काल है तो इसमें 1603 में ब्रिटेन का जो सम्राट बना तो वहां क्या था कि महारानी के कोई पुत्र नहीं था, ब्रिटिश के महारानी से कोई पुत्र नहीं था, वंश नहीं था, वंशज नहीं बना। तो उसके कारण स्कॉटलैंड का वहां का जो राजा था जेम्स प्रथम वो शासक बना। तो संसद और सम्राट के मध्य क्या हुआ, टकराव शक्तियों का लेकर टकराव हो गया, तो कहीं कहीं संघर्ष उत्पन्न हो गया। जब संघर्ष होता है तो निस्संदेह जनता में क्रांति आती है, जहां जहां संघर्ष हुए हैं या मध्य कुछ प्रकार की जो राजनीतिक तौर पर शक्तियों का मध्य संघर्ष हुआ पड़ाव का बीच में तो वहां क्रांतियां आरंभ होती है। तो यहाँ टकराव से जब क्रांतियां आरंभ होती है तो जन समूह मिलते हैं तो वहां क्या किस प्रकार की किसका निर्माण होता है, लोकतंत्र का। तो यहाँ लोकतंत्र की आधारशिला का आरंभ होता है। वही उसका जो चार्ल्स जेम्स का जो पुत्र है उसके पास चार्ल्स प्रथम सम्राट बना, इसकी मृत्यु के बाद 1628 में संसद के समर्थक जो चार्ल्स थे प्रथम, इसका चार्ल्स का जो पुत्र था प्रथम का, उस मृत्यु चार्ल्स ने पिटीशन ऑफ राइट्स संसद से मनवा ली कि इस प्रकार जो लोकतंत्र था राजतंत्र था सीमित निर्कुश राजतंत्र था उससे अपने संसद में राइट्स जनता के लिए मनवा लिए और पारित करवा दिए। तो फिर क्या हो गया, राजा की शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो क्या क्या, राजा संसद की स्वीकृति के बिना कोई करने लगा था। पहले क्या था, कोई शक्ति सीमित नहीं थी, अपने मर्जी से कर लगा लेते थे, जनता से जज गई वो लगा दिया। अब वो करने लगा सकता कानून, अब किसी भी कारण यानी कोई कारण नहीं है, कोई दोष नहीं है, पहले राजा जेल में डाल देता, अच्छा ये पसंद नहीं जेल डाल दो, लेकिन अब शक्ति में बिना संसद के का बिना कारण के किसी भी को जेल में राजा नहीं डाल सकता। तीसरा प्रतिबंध था शांति काल में राजा मार्शल लॉ नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार शक्तियां सीमित हो गई। छठा जो अपना काल था एनुअल काल, तो संसदीय लोकतंत्र का उदय होता है